सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। और आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी पुलिस में जो वैकेंसी आई है ग्रुप डी की, मैसेंजर की, उन वैकेंसी की फुल डिटेल्स। तो ये सीधी भर्ती है, इस भर्ती का नाम है समूह संदेशवाहक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती 2018। एडवर्टाइजमेंट इशू हुआ है 23 जुलाई 2018 को, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है फॉर्म पहुंचने की 16 अगस्त 2018 शाम को 5 बजे तक। तो चलिए अब इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। ये जो वैकेंसी है ये उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय लखनऊ द्वारा निकाली गई है। इसका पोस्ट का नाम है संदेशवाहक यानी मैसेंजर, पे लेवल 1 में है 18,000 से 56,900 वाली ग्रेड में। वैकेंसी है 62, जिसमें सामान्य की 31, ओबीसी की 17, एससी की 13 और एसटी की 1 वैकेंसी है। और इसका जो सिलेक्शन होना है वो होगा जो कंसर्न ट्रेड है उसके स्किल टेस्ट, और उसके बाद रिटर्न टेस्ट आपका होगा। आरक्षण जो होगा वो यूपी के एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स को एज पर रूल दिया जाएगा, बाकी कैटेगरी को एज पर रूल दिया जाएगा, लेकिन यूपी के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। बात करें एज लिमिट की, तो एज आपकी 18 साल होनी चाहिए 1 जुलाई 2018 को कम से कम, और 30 साल होनी चाहिए मैक्सिमम, यानी 1 जुलाई 1988 से लेके 30 जून 2000 तक आपका जन्म हुआ होना चाहिए, और ये दोनों डेट इसमें शामिल हैं। एस एसटी ओबीसी और अदर कैटेगरी को एज पर रूल रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सिर्फ आप 5वीं पास होनी चाहिए, और विभागीय पुलिस बल की आवश्यकताओं के दृष्टिगत उस पद पर कार्य करने हेतु अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव हो, साइकिल चलाना जानता हो, लेकिन ये शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी। और सब बातें अगर समान है तो उन कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल तक सेवा की है। साथ ही कैरेक्टर की हम बात बता दें तो आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए, आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि सेवा में नियुक्ति के लिए सब प्रकार से आप उपयुक्त हों। और जनरल इंस्ट्रक्शन हम आपको बता देते हैं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उसे डाउनलोड करेंगे, और उसमें पासपोर्ट साइज का लेटेस्ट फोटो लगाएंगे, उसको सेल्फ अटेस्ट करेंगे या फिर अंगूठे का निशान लगाएंगे, साइन करना नहीं आता है तो। और इस परीक्षा के लिए कोई भी परीक्षा शुल्क देय नहीं है, आपको कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं देना है। इसके अलावा आपको 5 रुपए का डाक टिकट लगे, 2 लिफाफे भी 10x30 सेंटीमीटर के भेजने होंगे फॉर्म के साथ, और आप अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा उप महानिरीक्षक पुलिस दूरसंचार मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय 226006 के नाम से भेजेंगे, और लिफाफे के ऊपर आप पदनाम अंकित करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैसेंजर या फिर संदेशवाहक के लिए आवेदन पत्र। आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से भी फॉर्म जमा करा सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय महानगर 226006 में 16/8/2018 तक आपका फॉर्म शाम को 5 बजे तक कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। फॉर्म के साथ आप अपनी शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र, उनकी सबकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाएंगे। इसके अलावा एक घोषणा पत्र भी संलग्न करेंगे कि आप साइकिल चलाना जानते हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको अपनी शैक्षिक योग्यता और अन्य सब प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे। अगर आप सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ संलग्न करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद मिलने वाले एप्लीकेशन फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। फॉर्म जब आप भेज देंगे उसके बाद आपको दक्षता की जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसके लिए 30 अगस्त 2018 से लेकर 5/9/2018 तक उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय महानगर लखनऊ में बुलाया जाएगा। अगर बीच में अगर छुट्टियां पड़ जाती हैं तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि कैंडिडेट्स को साइकिल की व्यवस्था खुद करनी होगी, कैंडिडेट्स अपनी साइकिल स्वयं लेके आएंगे। आपको कहां से अरेंज करनी है ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको जब स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो आपको साइकिल स्वयं लेके आनी होगी। और जो कैंडिडेट्स ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उनको 16/9/2018 को एग्जाम में बुलाया जाएगा। समय और परीक्षा संबंधी अनुसूचना जो टाइम टेबल है और एग्जाम टाइम टेबल वो सब आप upipolice.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोकल न्यूज़पेपर है उनमें भी सूचना दी जाएगी। कुछ और बातें हम आपको बता देते हैं, रिक्तियों की संख्या अनंतिम है, ये घट और बढ़ भी सकती है। कैंडिडेट्स को आने आने के लिए कोई भी खर्चा नहीं दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा को स्थगित करने नष्ट करने का अधिकार सरकार के पास स्वच्छित है। इसके अलावा अगर ये पता चलता है कि कैंडिडेट्स द्वारा कोई तथ्य जानबूझ के छुपाया गया है तो उनका कैंडिडेशन रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अच्छी भर्ती है ये ग्रुप डी की, और लेवल 1 में है यानी एमटीएस की ही पे आपको मिलेगी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो। और आपको कहीं भी जॉब फिलहाल नहीं मिल रही है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि हम आपको फिर बता दे रहे हैं 16/8/2018 आपकी लास्ट डेट है, तब तक आपको फॉर्म पहुंचना चाहिए, और आप रजिस्टर्ड डाक से ही फॉर्म भेजेंगे।
फॉर्म के साथ अपने सारे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगाएंगे डॉक्यूमेंट्स की, मूल निवास प्रमाण पत्र की भी लगाएंगे अगर उपलब्ध है तो, और बाकी सब डॉक्यूमेंट्स की लगाएंगे। इसके अलावा एक घोषणा पत्र जिसमें लिखा होगा कि मुझे साइकिल चलाना आता है, वो भी आप सेल्फ अटेस्ट करके आप लिख के और उसको फॉर्म के साथ ही भेजेंगे। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वैकेंसी अपडेट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।